पाइप्स इन सीरीज एंड पैरेलल के अंदर पहला पॉइंट है कि आपके पास अगर मान लो ये एक पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप है, और ये पाइप आगे जाके थोड़ी पतली हो गई, ऐसी हो गई, फिर आगे जाके ये पाइप फिर और बड़ी हो गई, बड़ी हो गई, ऐसे पाइप की डायमीटर चेंज होते जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये तीन पाइप्स हैं, एक पाइप, दूसरी पाइप और तीसरी पाइप, ये सब किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज, एक के बाद एक के बाद एक। आप इमेजिन कर सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे तीन रेजिस्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और तीन रेजिस्टर्स इसमें किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज। तो इसमें रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R2 है और रेजिस्टेंस R3 है, ऐसे किया था। सीरीज के अंदर आपने सीखा होगा इलेक्ट्रिसिटी में कि सीरीज के अंदर जो करंट की वैल्यू है, जो करंट है, वो हर वायर में एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम, सीखा हुआ है ये। तो करंट I की वैल्यू सब में क्या रहेगा, सेम। और ये भी सीखा होगा कि अगर आपके पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो अगर आपने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इंटू R1, यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, V1, ओम लॉ, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, यहाँ पर क्या डेवलप होगा, V2, और यहाँ पर V3, सच दैट V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ऐसे होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में डिफरेंट होते हैं हर रेजिस्टर के अक्रॉस, लेकिन करंट हमेशा क्या रहता है, सेम। ठीक है यहां तक? अब करंट को कैसे इमेजिन करेंगे, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। तो चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड तीनों वायर्स में सेम है। अब पाइप्स को इमेजिन करें वायर की तरह, पाइप में क्या एंटर करेगा, क्यू, क्यू का मतलब क्या था, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू फर्स्ट पाइप में, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड सेकेंड पाइप में, एंड थर्ड पाइप में एग्जैक्टली सेम, क्योंकि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होता है, लिक्विड करंट। तो लिक्विड करंट की वैल्यू सब में क्या, एग्जैक्टली सेम, कोई डाउट इसमें? तो लिक्विड करंट सेम है, तो क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो याद रखना, सीरीज के अंदर लिख लें इन केस ऑफ पाइप्स इन सीरीज हेडिंग डाल के, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी इन केस ऑफ सीरीज इन ऑल पाइप्स, लेकिन प्रेशर डिफरेंस, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहां पर प्रेशर डिफरेंस है। प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू इस पाइप में, इस पाइप में और इस पाइप में क्या हो जाएगी, डिफरेंट। तो जैसे प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू इस पाइप में डेल्टा P1, इस पाइप में डेल्टा P2, इस पाइप में डेल्टा P3, तो टोटल प्रेशर डिफरेंस इसमें क्या होगा, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 प्लस डेल्टा P3 इज इक्वल टू डेल्टा P। डेल्टा P का मतलब है टोटल प्रेशर का डिफरेंस। तो क्या इस स्टेप क्लियर है, जो काम पोटेंशियल डिफरेंस करता था उन वायर में, वो पोटेंशियल डिफरेंस, वो प्रेशर डिफरेंस करेगा पाइप्स में। और प्रेशर डिफरेंस समझते हो, यहां और इस पॉइंट के प्रेशर को, इस पॉइंट और इस पॉइंट के प्रेशर के डिफरेंस को डेल्टा P1 बोलते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के प्रेशर के डिफरेंस को डेल्टा P2 बोलते हैं, और इस पॉइंट के प्रेशर के डिफरेंस को डेल्टा P3 बोलते हैं। और अगर आपका लिक्विड राइट की तरफ जा रहा है, तो ये प्रेशर सबसे बड़ा होगा और ये थोड़ा कम होगा, फिर ये वाला प्रेशर बड़ा, ये कम होगा, फिर ये वाला प्रेशर बड़ा, यहां पर कम होगा। तो प्रेशर डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया डेल्टा P1, डेल्टा P2 और डेल्टा P3। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो क्या सीखा आपने, अगर पाइप सीरीज में है तो हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड सीरीज में क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम, और प्रेशर डिफरेंस सेम नहीं रहेगा हर पाइप का। बड़ी छोटी पाइप से प्रेशर की वैल्यू चेंज हो जाती है, छोटी पाइप में प्रेशर बढ़ जाता है, डिफरेंस बढ़ जाता है, बड़ी पाइप में प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। अब अगर यही चीज किसमें करनी हो, पैरेलल में, तो पहली चीज ये समझते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें पाइप्स इमेजिन करो, पाइप्स कैसे लगी हुई हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक, जैसे रेजिस्टेंसेस होती हैं। तो जैसे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स लगाऊं, तो ये तीन रेजिस्टर्स किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, R1, R2 एंड R3। कोई डाउट इसमें? तीन रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, ऐसे ही है, आपने 10th में किया होगा ये। कैसे चेक करते हो ये पैरेलल में है,
कैसे? एक के नीचे एक देख के, हाँ पॉइंट्स देख के, बिल्कुल सही। इमेजिन करो आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी का सॉकेट है, उसमें आपने बल्ब को ऑन करना है। दो वायर ली, सॉकेट में डाला, ऑन किया, मान लो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, आपने बल्ब कनेक्ट किया, ये बल्ब ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब को क्या मिला? 220 वोल्ट। अब आपके पास सपोज करो एक मिक्सी भी है, आपको वो भी चलानी है साथ में, और जगह है नहीं, सॉकेट एक ही है, होल यही है, बस इतना नहीं है, तो प्लग निकाल के वो याद है ना, वो जुगाड़ करते हैं, दो दो तारों को छिल के इकट्ठा कर देते हैं लपेट के, तो मिक्सी को भी की वायर को भी यहीं डाल दो एम, तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना मिल गया? 220 वोल्ट। आपके पास एक और बल्ब है, वो भी आपको चलाना है, अब जगह तो है नहीं, डालना तो यही है, तो तीन तारे लो, तीनों के पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे करो, एक और बल्ब लगा दो। किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में। ये तीनों मशीन्स किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में। वो क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों को क्या मिल रहा है? 220, 220 और 220। समझ में आ रहा है? हमारे घरों में जितनी भी लाइट्स एंड ट्यूब्स एंड सब कुछ लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो सब पैरेलल में है, कि सबको वोल्टेज बराबर चाहिए, 220, 220, 220, 220। तो घर की जो वायरिंग है, इलेक्ट्रीशियन करता ही ऐसे है कि सब कुछ पैरेलल में रखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये स्टेप क्लियर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखने वाली बात ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अगर यहाँ का जो पॉइंट का प्रेशर, जो पोटेंशियल है वो V1 है, इस जंक्शन का V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या होगा? V1 - V2। इसमें भी क्या होगा? एग्जैक्टली सेम। इसमें भी क्या होगा? एग्जैक्टली सेम। तो हमने क्या सीखा इलेक्ट्रिसिटी में, कि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। कोई डाउट इसमें? लेकिन अगर इसमें करंट आई आ जाए, करंट आई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1, I2 एंड I3, तो I विल बी इक्वल टू I1, I2 एंड I3। ये आपने इलेक्ट्रिसिटी में सीखा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ये हमने किया हुआ है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी सीख नहीं रहे, हमने क्या करना है? तीनों पाइप्स किसमें लगानी है? इन पैरेलल। अब हम करते हैं पाइप पैरेलल में कैसे एक्ट करेंगे। ठीक, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम पाइप्स को लगाएं, ठीक, तो इसको एक बार ध्यान से देखना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये एक पाइप है, ठीक, ये लो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा और डायग्राम चेंज करता हूं, ठीक, ऐसे ले लेता हूं। ये एक पाइप है, ये दूसरी पाइप है, ठीक, और इमेजिन करो ये तीसरी पाइप है, ये तीसरी पाइप है, ऐसे ले लेते हैं। हाँ, वो बेसिकली ये गैप है, ये मैंने क्या किया हुआ है, ऐसे लिया हुआ है, जैसे कि जो लिक्विड है वो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, कुछ लिक्विड यहाँ से जाएगा, कुछ यहाँ से जाएगा और कुछ यहाँ से जाएगा, ये ब्लॉक है, ये नहीं है, ऐसे है, ये कुछ नहीं है। तो ओपनिंग कर दी ना, तो तीन पाइप्स हैं, तो एक पाइप, दूसरी पाइप और तीसरी पाइप। समझ रहे हो इस डायग्राम को? और काफी लोग ये देख रहे हैं कि पाइप्स मैंने ऐसे लिए हैं ना, ग्रेविटी का अफेक्ट नहीं लेना पॉइसलीज में, पाइप ऐसे हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, प्लीज तीनों ऐसे हैं, डायग्राम को ऐसी फोटो खींच के ऐसे चिपका दी, तो दिख ऐसी रही है, लेकिन एक्चुअल में ये टेबल के ऊपर तीन पाइप्स हैं, पानी आ रहा है, लिक्विड आ रहा है, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर ऐसे जा रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल है प्लीज सारा, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ, ये व्यू हॉरिजॉन्टल व्यू है, ये पाइप हॉरिजॉन्टल में पड़ी हुई है, क्लियर है? तो इमेजिन करें कि यहां से क्यू क्या आ गया, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड आया, कुछ लिक्विड फर्स्ट पाइप से जाएगा, कुछ सेकेंड पाइप से जाएगा और कुछ थर्ड से जाएगा, तो क्यू टोटल और वापस मिलके यहां पे क्या हो जाएगा? क्यू वापस आ जाएगा,
तो क्यू जो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है तीनों पाइप्स का, वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड जो टोटल होगा वो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड फर्स्ट पाइप का होगा प्लस वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड सेकेंड पाइप का होगा प्लस वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड थर्ड पाइप का होगा। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की वैल्यू तीनों में सम के इक्वल होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिसिटी में टोटल करंट आए, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। आई क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, सम के इक्वल होगा। क्या स्टेप क्लियर है? लेकिन देखने वाली बात यह है, वायर की तरह अगर मान लो इस जंक्शन का प्रेशर पी वन है, इस जंक्शन का प्रेशर मान लो पी टू है, तो इसके अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस क्या क्रिएट होगा? पी वन माइनस पी टू। इसके अक्रॉस क्या होगा? पी वन माइनस पी टू, और इसमें भी क्या होगा? पी वन माइनस पी टू। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा पी की वैल्यू पैरेलल में हमेशा क्या रहेगी? सेम। ये नोट कर लें, डेल्टा पी कांस्टेंट है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक कि सीरीज और पैरेलल में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा?